बॉलीवुड की चांदनी यानी श्रीदेवी शनिवार रात अचानक इस दुनिया से रूखस्थ हो गई और अपनी मौत से तमाम लोगों को सदमा दे गई। श्रीदेवी अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने परिवार के साथ दुबई गई हुई थी। शादी समारोह में शिरकत करने के बाद परिवार के कई सदस्य वापस आ गए थे, यहाँ तक कि उनके पति बोनी कपूर भी मुंबई लौट चुके थे। लेकिन शनिवार को वो श्रीदेवी के लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर फिर से दुबई पहुंचे थे। दुबई के अखबार खलीज टाइम्स ने कपूर फैमिली के एक विश्वस्त सूत्र के हवाले से बताया कि बोनी कपूर मुंबई से शनिवार 24 फरवरी शाम करीब 5:30 बजे दुबई आ गए थे। इसके बाद वे जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल में श्रीदेवी के कमरे में पहुंचे और उन्हें सरप्राइज दिया। बोनी कपूर उन्हें डिनर पर ले जाने वाले थे। बोनी कपूर ने सोती हुई श्रीदेवी को जगाया। दोनों ने 15 मिनट तक बातें की। इसके बाद बोनी ने श्रीदेवी को डिनर पर चलने को कहा। श्रीदेवी बाथरूम गई, बाहर बोनी कपूर इंतजार कर रहे थे। 15 मिनट गुजर गए पर श्रीदेवी बाथरूम से बाहर नहीं आई। बोनी कपूर ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब बोनी कपूर घबरा गए, उन्हें दरवाजा को तोड़ना पड़ा। अंदर का दृश्य देखकर बोनी कपूर हैरान हो गए। श्रीदेवी पानी से भरे बाथटब में स्थिर पड़ी हुई थी। उन्होंने श्रीदेवी को झकझोरा और उन्हें होश में लाने की कोशिश की लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया। फिर राजस्थानी समय के मुताबिक लगभग 9 बजे उन्होंने पुलिस को इस घटना की सूचना दी।